ओके सो गाइस, आज का हमारा वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं लेके आया हूँ आपके तीन ऐसे बेसिक इफेक्ट जो टिकटॉक पे सबसे ज़्यादा यूज में होने वाले हैं। अगर आप तीनों इफेक्ट का यूज करते हो तो आपकी वीडियो में चार चांद लगने वाले हैं, आपका वीडियो वायरल होने वाला है। तो गाइस, आपने जैसे कि थंबनेल को देखा होगा, उसमें मैंने सबसे पहले स्मोकिंग इफेक्ट के बारे में बताया, सेकंड पे फायर इफेक्ट, एंड थर्ड पे आपको यहाँ पे सेक इफेक्ट के बारे में बताऊंगा। गाइस, तीनों इफेक्ट का यूज करके बताऊंगा। सबसे पहले आपको काइंड मास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाकर तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। और गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे रोज इस तरह के कंटेंट मिलने वाले हैं। अब आपको यहाँ पे प्लस के आइकन पे चलना होगा और आपको 9 to 16 पे आपको सेलेक्ट कर लेना होगा, देन यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरेस्ट मिलेगा। अब आपको करना क्या होगा, जो आपका टिकटॉक का एक वीडियो है उसको यहाँ पे डाल दीजिए। तो मीडिया के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे कैमरे के ऑप्शन पे जाने वाले मैंने एक वीडियो को डाउनलोड करके रखा है फेजू भाई का, उसमें आपको सभी इफेक्ट का यूज करके दिखाऊंगा। सबसे पहले इसको देख लीजिए, इसमें कोई सा भी फायर वगैरह कुछ भी इफेक्ट वगैरह लगा हुआ नहीं है, तो आपको सभी इफेक्ट का यूज करके दिखाऊंगा। तो गाइस, मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे स्मोकिंग इफेक्ट का यूज करके दिखाऊंगा। तो आपको लेयर में चलना होगा, मीडिया में जाने के बाद डाउनलोड में जाना होगा। गाइस, इस स्मोकिंग इफेक्ट वाली वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिए। ये इफेक्ट आपको सभी वीडियोस में काम आने वाला है। तो इसको सबसे पहले आपको स्टार्टिंग से कट करना होगा, 5 सेकंड से आपको कट करना होगा, सीजर पे चलना होगा, ट्रेम टू लेट ऑपरेट कर देना होगा, तो आपका वीडियो लेफ्ट साइड से कट जाएगा। अब आपको इसको दबा के रखना होगा, आगे की तरफ लेके आना होगा। इस तरीके से लेके आने के बाद आपको यहाँ पे 5 सेकंड बाद में इसको कट कर देना होगा। तो सीजर पे चलना होगा फिर से, और आपको ट्रेम टू राइट ऑपरेट कर देना होगा। इस तरीके से आप दोनों साइड से कट कर सकते हो। अब आपको इसको रोटेट करना होगा, सबसे पहले आपको रोटेट करना देख लीजिए, और इसको फुल स्क्रीन में करना देख लीजिए। इस तरीके से आपको दोनों तरीके से करने के बाद आपको इस लेयर पे फिर से क्लिक करना होगा, और आपको नीचे की तरफ से यहाँ पे स्लाइड करना होगा। यहाँ पे आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पे चलने के बाद आपको फिर से नीचे की तरफ स्लाइड करना होगा, और यहाँ पे आपको एक इफेक्ट पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे लाइटन का आपको इफेक्ट मिलेगा, इस पे आपको सिंपल क्लिक करना होगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे स्मोकिंग इफेक्ट लग जाएगा, जैसे आप देख पा रहे हो, और इसको आपको ओपिसिटी को यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हो। इस तरीके से आपको कम ज़्यादा कर लेना होगा। अब आपको सेकंड इफेक्ट के बारे में बताता हूँ। तो आपको सबसे पहले चलना होगा लेयर के ऑप्शन पे, और यहाँ पे आपको ओवरले पे क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा नीचे की तरफ स्लाइड करना होगा। यहाँ पे आपको फायर इफेक्ट, यहाँ पे फायर बॉर्डर का ऑप्शन मिलेगा। गाइस, अगर आपके पास ये ऑप्शन पहले से नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपको गेट मोर के ऑप्शन पे जाना होगा, और यहाँ पे आपको डेटा ऑन करने के बाद इसको डाउनलोड कर लेना होगा। तो गाइस, इसको आप नोट कर लीजिए, फायर बॉर्डर्स के नाम से आपको ये इफेक्ट मिलने वाला है। तो आपको सिंपल इस पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पे फर्स्ट पे आपको क्लिक कर देना होगा। फर्स्ट पे क्लिक, जैसे क्लिक करोगे तो ये इफेक्ट इसमें लग जाएगा। सबसे पहले इसको रोटेट कर लीजिए इस तरीके से, यहाँ पे रोटेट करने के बाद थोड़ा सा इसको फुल स्क्रीन में कर लीजिए, और यहाँ पे कॉर्नर में आप इस तरीके से लगा दीजिए। तो गाइस, इस तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब आपको फिर से इस पर क्लिक करना होगा, यहाँ पे 3 डॉट पे जाना होगा, इसको डुप्लीकेट कर लेना होगा। डुप्लीकेट करने के बाद आपको इसको यहाँ पे इस तरीके से साइड में लेके आना होगा, इसको फिर से रोटेट करना होगा। तो यहाँ पे मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ सबसे पहले। तो गाइस, मैंने इसको यहाँ पे रोटेट करके आपको इस कॉर्नर में लगा देना होगा। तो इस तरीके से आपको इसको भी यहाँ पे यूज कर लेना होगा। तो गाइस, सबसे पहले मैं इसको चला कर दिखा देता हूँ किस तरीके से दोनों इफेक्ट काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो गाइस, आप दोनों इफेक्ट को बारे में देख सकते हो कितने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले इस फायर इफेक्ट को आप यहाँ पे काइंड मास्टर में जाकर डाउनलोड कर लीजिए। अब आपको यहाँ पे थर्ड में बताता हूँ कि इसमें सेक इफेक्ट का यूज कैसे करना है। उससे पहले आप इस लेयर को आपको दो पार्ट में कन्वर्ट करना होगा। तो आपको यहाँ पे सीजर पे चलना होगा, इसको स्प्लिट प्लेट पे करते हैं, आपके लेयर दो पार्ट में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, दो पार्ट में कन्वर्ट होने के बाद जो आपका बीच वाला यहाँ पे इफेक्ट इस तरीके से मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन वाले इफेक्ट मिल चुके हैं। आपको नीचे की तरफ स्लाइड करना होगा, नीचे की तरफ सेलेक्ट करने के बाद आपको एक इफेक्ट को फिर से डाउनलोड करना होगा, यहाँ पे सेक इट के नाम से मिलेगा ये इफेक्ट। आपको डेटा ऑन करने के बाद गेट मोर के ऑप्शन पे जाना होगा, यहाँ पे इसको भी नोट कर लीजिए, सेक इट के नाम से ये ऑप्शन मिलने वाला आपको। तो इस पे सिंपल आपको क्लिक करना होगा, इसमें फर्स्ट वाला आता है उसको आपको यहाँ पे सिंपल यहाँ पे लगा लेना होगा। तो इसमें आपको इफेक्ट दिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ पे इफेक्ट दोनों लग चुके हैं। उससे पहले इसको फायर इफेक्ट को आपको थोड़ा कम कर देना होगा। आपको सबसे पहले मैं वीडियो को चलाकर दिखाता हूँ आपके तीनों इफेक्ट इसमें लग चुके हैं, किस तरीके से आपको यूज करना होगा। तीनों इफेक्ट को डाउनलोड कर लीजिए, इस तरीके आपके वीडियो को बना लीजिए। अब आपको शेयर में जाना होगा, वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना होगा। सो गाइस, मुझे उम्मीद आपको वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि आपको इस चैनल पे रोज इस तरह के कंटेंट मिलते हैं।